उन्हें फख्र है 92 पे 93 पे 2006 पे, गुजरात मुंबई दिल्ली मलेगांव पे। मुझे फख्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको आप कौन सा भी किरदार दीजिए वो उसे पूरी तरह से अपना बना देते हैं। हर रोल में वो परफेक्ट फिट होते हैं। ऐसे ग्रेट एक्टर है नसरुद्दीन शाह। वो अपने स्टाइल और अपने क्राफ्ट के दम पर किसी भी किरदार को अपने कंधों पर कैरी कर सकते हैं। फिर वो मसाला फिल्म के भारी भरकम डायलॉग्स हो, शराबी क्रिकेट कोच का किरदार हो, या फिर बॉम्ब प्लांट करने वाले टेररिस्ट का किरदार हो, वो अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में ढाल सकते हैं। नसरुद्दीन शाह जी को अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 3 नेशनल अवार्ड्स, 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स, वेनिस फिल्म फेस्टिवल का एक अवार्ड भी शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें सिनेमा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कारों से नवाजा है। लगभग 50 साल के अपने करियर में उन्होंने थिएटर से लेकर 140 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने हुनर को दिखाया है। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हिंदुस्तान के कई एक्टर्स की जनरेशन को इंस्पायर किया है। उनकी फिल्मों में से हमने हमारी पसंद के 10 आइकॉनिक किरदारों को चुना है और आज हम उसी पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। कुंदन शाह द्वारा निर्देशित जाने भी दो यारो ये सटायरिकल कॉमेडी फिल्म आई थी 1983 में। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने विनोद चोपड़ा नाम के फोटोग्राफर का किरदार प्ले किया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में कई सामाजिक मुद्दों के बारे में बात की गई है, जिसमें लैंड माफिया, रिश्वतखोर सरकारी अफसर और पब्लिक कंस्ट्रक्शन में सस्ते स्तर का प्रोडक्ट यूज करना जैसे इश्यूज शामिल है। फिल्म के क्लाइमैक्स का शुमार तो इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक सीन्स में किया जाता है, जिसमें महाभारत को संदर्भ में लेकर किया गया है, जो कि आज के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि कौन कहां से मोर्चा लेकर निकलेगा और फिल्म को बैन कर दिया जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। भैया दुर्योधन, शायद आप भूल रहे हैं कि आपको कुछ और कहना है, कुछ और करना है। मुझे कुछ और नहीं कहना है, मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे हर हाल में द्रौपदी की लाज रखना है। रखना नहीं है, लूटना है, हरना है। नंबर दो पर है शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म मासूम, जो आई थी 1983 में। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने एक फैमिली मैन का किरदार निभाया था। उनके किरदार की शादी होने के बाद शुरुआती दिनों में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद उनको पता चलता है कि उस अफेयर से उनको एक लड़का है। इस कारण से उनकी मैरिड लाइफ किस तरह से बिखरती है, इस तरह की फिल्म की कहानी है। इस फिल्म को अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी लीड रोल में, तनुजा, सुप्रिया पाठक और सईद जाफरी सपोर्टिंग कास्ट में हैं। आराधना और उर्मिला मार्तुंडकर चाइल्ड एक्ट्रेस है। आपका नाम जानकर आप क्या करेंगे? बच्चे का नाम आपके पास है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास है, उसे ढूंढकर आप क्या बाप का नाम पूछेंगे उससे? बाप का नाम नंबर तीन पर है 2005 की स्पोर्ट पर आधारित फिल्म इकबाल। फिल्म की कहानी एक गूंगे बहरे गांव के लड़के की है, जो अपनी कमजोरियों का मुकाबला कर अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है और इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है। इस फिल्म में नसीर साहब ने एक शराबी कोच की भूमिका निभाई है, जो उस गूंगे बहरे लड़के को कोचिंग देता है। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद कर रहा है, क्या करेगा बॉलिंग सीख के? क्रिकेटर कोई किसान से कम मेहनत नहीं करता। चौथे नंबर पर है नीरज पांडे की 2008 की थ्रिलर फिल्म अ वेडनेसडे। एक रिटायर होने वाले पुलिस कमिश्नर के जहन में उनके करियर का एक सबसे खतरनाक इंसिडेंट, जो कि सिर्फ उनके दिमाग में और जो लोग ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा हुए थे, ऐसे एक दिन वेडनेसडे का है, और इस इंसिडेंट का उनके जीवन पर क्या परिणाम हुआ, इस पर फिल्म की कहानी आधारित है। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने एक मिस्टीरियस आदमी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो 4 टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए मुंबई शहर में बॉम्ब्स प्लांट करता है। अगर आप नसीर साहब के फैन हैं तो फिल्म का क्लाइमैक्स और नसीर साहब की एक्टिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये 4 कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। नंबर 5 पर है सई परांजपे की 1980 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म स्पर्श। फिल्म की कहानी विजुअली इम्पेयर्ड प्रिंसिपल और ब्लाइंड टीचर, जो कि शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह का किरदार है, उनकी है। वो ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में हैं और एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। नसरुद्दीन शाह शबाना आजमी की एक्टिंग और विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों की रिलेशनशिप का मुद्दा उठाने के लिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी और नसरुद्दीन शाह को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।
नहीं मैं बनाती। सिट डाउन प्लीज, प्लीज सिट डाउन। आप यहाँ आई हैं मेहमान नवाजी, मुझे करने दीजिए। मैं तो सिर्फ मदद। जब मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, ये तो मेरे रोज का काम है। छठे नंबर पर है सागर सरहदी द्वारा निर्देशित 1982 की ड्रामा फिल्म बाजार। फिल्म की कहानी हैदराबाद की एक मुस्लिम महिला की कठिनाइयों को दिखाती है, जिसे जबरन शादी के लिए गल्फ कंट्रीज में अमीर आदमी को बेच दिया गया है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने सलीम नाम के पोएट का किरदार निभाया है, जिसे शादीशुदा औरत जो कि स्मिता पाटिल का किरदार है उससे प्यार हो जाता है। नंबर 7 पर है 1987 की ड्रामा फिल्म मिर्च मसाला, डायरेक्टेड बाय केतन मेहता। फिल्म की कहानी आजादी के पहले के गांव के एक औरत और उसके शोषण की है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने एक एरोगेंट, वासना से लीन और दुष्ट किस्म के सूबेदार का किरदार निभाया है, जो सोनबाई जो कि स्मिता का कैरेक्टर है उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। बाजा बजाएंगे खास तुम्हारे लिए, ऐसा जादू दिखाएंगे कि दंग रह जाओगी। सच। सरफरोश को रिलीज के बाद खूब पॉपुलैरिटी मिली और फिल्म को क्रिटिकली भी बहुत सराहा गया। इस फिल्म में आमिर खान ने एसीपी राठौड़ की भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह ने सिंगर और इंडो पाक टेररिस्ट गुलाम हसन का किरदार निभाया था। पार्टीशन के बाद दो देशों में पिसने वाले व्यक्ति की भूमिका नसीर साहब ने निभाई थी। उन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट से अपने देश में ही कैसे उन्हें अपनाया नहीं जाता और मुहाजिर कहकर बुलाया जाता है, इस बात का दर्द बखूबी पर्दे पर दिखाया था। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर पॉपुलर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जब बंटवारे के वक्त यहाँ के मुसलमान अपने वतन की उम्मीद में पाकिस्तान पहुंचे तो वहां के मुसलमान भाइयों ने उन्हें पास बिठाने के बजाय मुहाजिर कह के धुतकार दिया। 50 साल गुजर गए लेकिन आज भी हम मुहाजिर हैं, पाकिस्तानी नहीं। नंबर 9 पर है अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित 2010 की ब्लैक कॉमेडी फिल्म इश्किया, जिसे लिखा था गुलजार साहब ने और फिल्म को म्यूजिक दिया था विशाल भारद्वाज ने। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह जिसके लिए जाने जाते थे उससे हटकर किरदार निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में क्रिमिनल एंटी हीरो खालूजान का रोल प्ले किया था। इश्किया स्लीपर हिट साबित हुई थी। फिल्म उन मसाला बॉलीवुड फिल्म के लीग से हटकर थी। दोनों का चाल चलन अच्छी तरह समझ गए थे वो लोग। कौन दोनों? एक तू और एक तेरी अम्मी। मैं कह रहा हूं खालू, अम्मी को बीच में मत लाओ। तुम मैं कहां ला रही हूं, सारी दुनिया कहती है। क्या कहती है? यार बाज अम्मी का रंडी बाज लौंडा। नंबर 10 पर है गोविंद निहलानी की डेब्यूट फिल्म, बाद में जिन्होंने अर्धसत्य और तमस जैसी फिल्में बनाई, उनकी 1980 की आर्ट हाउस फिल्म आक्रोश। इस फिल्म को मराठी प्ले राइटर विजय तेंदुलकर ने लिखा था। इस फिल्म में जिन्होंने इंडियन पैरेलल सिनेमा के मूवमेंट को अपने कंधों पर आगे लेकर गए वो नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल, मोहन आगाशे, ऐसे एक से एक महारथी एक्ट्रेस थे। आक्रोश में नसरुद्दीन शाह ने एक लॉयर का किरदार प्ले किया था। देखो अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता, समझे? मैं फिर आऊंगा। तो ये थी नसरुद्दीन शाह के 10 आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट। आपकी कौन सी फिल्म फेवरेट है या कौन सी फिल्म टॉप 10 में होनी चाहिए थी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।